हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर ऑफ एमसीक्यू टेस्ट नंबर 62 टुडे वी सॉल्व सम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू विद प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन टॉपिक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म सो एज अ पार्ट ऑफ आवर टेस्ट सीरीज फॉर जीपेट नाइपर डी आई एंड फार्मासिस्ट एग्जाम आवर टुडेज टॉपिक इज ए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या है तो फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म प्रिपरेशंस जो है वो है लाइक like ऑइंटमेंट है कोई आप पेस्ट यूज करते हो क्रीम है प्लास्टर्स है जेल्स एंड अनदर रिजिड फॉर्म्स एक्सेट्रा आर ए एग्जाम्पल ऑफ ए सेमी सॉलिड डोजिस फॉर्म तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं तो दे कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। डिजोल्व और यूनिफॉर्मली डिस्पर्ज इन ए सूटेबल बेस मतलब कि जब सेमी सॉलिड मास जो हम बनाते हैं कि समझो कि आपके पास है सॉलिड uh, के अंदर कोई मटेरियल है कि सॉलिड के अंदर मेरे पास है कोई फैटी सब्सटेंस लाइक वैक्स है ओके okay? प्लस और मेरे पास कोई एक लिक्विड है वहीकल्स से ऑयल है समझो तो ऑयल और वैक्स दोनों को मैं इमल्सीफाई करके तैयार करता हूँ क्रीम तो जो क्रीम बनेगी न वो ना ही सॉलिड होगी ना ही लिक्विड होगी बट दोनों के बीच में उसकी पोजिशन रहेगी जिसको हम कहेंगे सेमी सॉलिड फॉर्म कि ना ही वो लिक्विड है ना ही वो सॉलिड है तो वो जो आ, सेंटर में जो पड़ता है वो उसको हम कह सकते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की दे कंटेंट वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिजल और यूनिफॉर्मली डिस इन ए सूटेबल बेज एंड एनी सुटेबल एक्सीबियंट सचेस इमल्सीफायर विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंटी ऑक्सीडेंट और स्टेबिलाइजिंग एजेंट्स वगैरह जो हम उसके अंदर मिक्स करते हैं सेमी सॉलिड आर टॉपिकल डोजेस फॉर्म यूज फॉर द थेरापिटिक प्रोटेक्टिव एंड कॉस्मेटिक फंक्शन सो हम जानते हैं कि अलग अलग जितने भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है कि लाइक कोई क्रीम है तो वो यूज़ होती है एज अ कॉस्मेटिक उसका फंक्शन रहता है फिर समझो कि कोई ऐसा ऑइंटमेंट है तो उसका हमारा यूज़ होता है एज अ थेरापटिक फिर बहुत सारे ऐसी फंगल क्रीम होती है टॉपिकल क्रीम्स होती है कि जिसका रोल होता है प्रोटेक्टिव स्किन प्रोटेक्टिव का भी काम करती है एंड दे मस्ट अप्लाई टू द स्किन यूजअली नजली वज़ाइनली और रेक्टली मतलब कि जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी स्किन है उस पर हम वो टॉपिकली अप्लाई करते हैं मतलब कि जितने भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है मोस्ट आर द दे आर फॉर द एक्सटर्नल यूज ओके कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली दिस टाइप के प्रिपरेशंस रहती है तो इसी के बारे में हम आज एम, एम सी क्यू सॉल्व करेंगे तो मेन जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो पॉपुलर है वो है ऑइंटमेंट उसके बाद आप देखो पेस्ट क्रीम एंड जेल अब ऑइंटमेंट कैसे होते हैं कि जनरली हाइड्रोकार्बन बेस्ड होते हैं कि जो हम कहते हैं कि ग्रीस पेट्रोलियम जेली वगैरह जैसे बेस्ड होते हैं जिसके अंदर मेडिसिन जो है वो इनकॉर्पोरेट की होती है मिक्स की होती है तो यूजली वो ओपाक होते हैं एंड ग्रीसी इन नेचर होते हैं ओके जैसे हम ग्रीस देखते हैं पेट्रोलियम जेली देखते हैं इस टाइप के ये ऑइंटमेंट होते हैं उसके बाद पेस्ट बेसिकली ऑइंटमेंट इन विच हाई परसेंटेज ऑफ इन्सॉल्यूबल सॉलिड पेस्ट मतलब कि ऑइंटमेंट जैसा ही है बट उसके अंदर सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है कि जो इन्सॉल्यूबल सॉलिड कि जैसे हम देखते हैं कि कोई टूथपेस्ट है कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट ओके कि जो कॉलगेट की जो हम नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो वाइट कलर की कैल्शियम कार्बोनेट वाली होती है तो उसके अंदर बहुत सारा सॉलिड कंटेंट होता है तो उसको हम कह सकते हैं पेस्ट फिर ओपाक होता ही वो एंड लेस ग्रेसी वो इतनी ग्रेसी नहीं होती बिकॉज उसके अंदर जो है वो इन सोलबल सॉलिड का कंपोनेंट ज्यादा होता है फिर क्रीम देखे तो वो भी ओपाक रहती है वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर टाइप के इमलशंस से बनती है एंड वो भी लेस ग्रेसी है और लास्ट में जो हमारा पॉपुलर है जेल तो जेल कैसी होती है ट्रांसपेरेंट होती है एंड लेस ग्रेसी अब जेल के अंदर रिवर्स है उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो कि लिक्विड फेस ज़्यादा होता है कि जो थ्री पॉलीमरिक मैट्रिक्स तैयार करती है और जिसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट्स जो है वो मिक्सअप होते हैं बट यूजली जो जेल बनती है वो कैसे बनती है कि कोई आपके पास सॉलिड कोई पॉलीमर है कि लाइक आपके पास है मिथाइल सेल्यूलोस ओके मिथाइल सेल्यूलोस जो पॉलीमर है आप उसको यूज़ करके उसकी जेल बना सकते हो कार्बोपॉल है सोडियम आलजीनियर बहुत सारे ऐसे जेल फॉर्मिंग पॉलीमर्स होते हैं उसको यूज करके हम जेल तैयार करते हैं सो so, ये है हमारे चार मेन बेसिक सेमी सॉलिड डिजीज फॉर्म उसके रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे सो so, फार्मारॉक्स का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर आप जो है वो ऐप पर पीडीएफ फाइल्स देख सकते हैं फार्मारॉक्स की कि जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है पीपीटीज है एंड हमारे पीडीएफ है कि जो रैपिड रिविजन नोट्स वगैरह जो अवेलेबल है फार्मारोक्स के वह सब आपको फार्मारोक्स के मोबाइल ऐप पर ईजीली मिल जाएंगे फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जो 365 प्रीमियम टेस्ट आपको मिलेंगे इन 365 डेज प्राइस इज रुपीज हंड्रेड इज लाइक 28 पैसा पर डे आपको एम का सॉल्यूशन मिलेगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिजल्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएंगी इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट मिलेगा एंड यू विल आल्सो गेट योर इंस्टीट्यूट रैंक बी ऑन योर परफॉर्मेंस So, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर सो so, अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले सो टेस्ट नंबर सिक्सटी टू है सेमी सोलिड डोजिज फॉर्म पर सब्जेक्ट हमारा होगा फार्मास्यूटिक्स सो so, क्वेश्चन फर्स्ट है कि ऑल आर ऑइंटमेंट बेजिस एक्सेप्ट ऑलिएजिनस बेजिस वाटर सोल्यूबल बेजिस वाटर रिमूवेबल बेजिस एंड एड्सॉपन बेसिस तो ऑइंटमेंट के लिए कौन से टाइप के बेसिस हम यूज करते हैं तो और उसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है तो वो है ऑप्शन नंबर डी कि एड्जॉर्पन डिजिज आर नॉट यूज इन ए ऑइंटमेंट बेस बिकॉज जो मेन पॉपुलर तीन बेस की ओलिएजिनस बेस वाटर सोल्यूबल बेस एंड वाटर रिम्यूबल बेस जो यूज होते हैं इन ए ऑइंटमेंट जबकि ये वाला जो एड्जॉर्पन बेस जो है वो यूज नहीं होता दैट्स वाई ऑल आर ऑइंटमेंट बेस एक्सेप्ट द एडजॉपन बेजेज तो जानते हैं कि ये जो ऑइंटमेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे आप या देख सकते हो डायग्राम के अंदर किस तरह सा ओपाक ऑइंटमेंट होता है कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता जिसके अंदर मेनली जो अलग अलग बेस यूज़ होते हैं कि ऑइंटमेंट बेस का जरूरत क्या है कि तो ये जो बेस होता है इसके अंदर हम मिक्स करते हैं अलग अलग ए पी मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दूसरे वर्ड में कहे तो हमारी ड्रग तो ड्रग को हम अच्छे से मिक्स कर सकते हैं इस टाइप के ऑइंटमेंट बेसिस के अंदर और अलग अलग उसके यूजेस रहते हैं सो so, अलग अलग बेसिस होते हैं कि ओलियजिनस बेसिस होते हैं एब्जॉर्पसन बेसिस होते हैं वाटर रिमूवल बेसिस एंड वाटर सॉल्यूबल बेसिस तो एब्जॉर्पसन बेस होते हैं नॉट द एडजॉर्पसन एमसीक्यू के अंदर क्या है ए ओ लिखा है जबकि होता है ए बी एस ओ एब्सॉर्पन नॉट द एडसॉर्पन उसके बाद वाटर रिमूवेबल बेसिस एंड वाटर सोलिबल तो ये चार टाइप के मेन बेस यूज होते हैं इन ऑइंटमेंट आगे जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू विच आर ऑल्सो टर्म एज हाइड्रोकार्बन बेसिस ऑप्शंस दी है ओलियजिनस एड्स ऑप्शन वाटर रिमोवेबल एंड वाटर सोल्यूबल तो इसे कौन से बेजिस है कि जिसको हाइड्रोकार्बन बेस भी कहा जाता है तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सोल्यूबल बेजिस तो हाइड्रोकार्बन बेजिस कौन से है वो हमें फाइंड आउट करना है तो हाइड्रोकार्बन मतलब कि जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन खास प्रेजेंट होते हैं तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओलियाजिनस बेस मतलब कि जो ऑयली बेस होते हैं मेनली जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेनली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है कार्बन ऑक्सीजन वगैरह हाइड्रोकार्बन बेसिस वाले बेसिस जिसको हम कहते हैं ओलियाजिनस बेसिस तो जानते हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसका तो ओलियाजीनस बेसिस आज ऑल्सो टर्म एज ए हाइड्रोकार्बन बेसिस एंड और एप्लीकेशन टू द स्किन दे हैव एन इमोलियंट इफेक्ट मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन बेजिज होते हैं उनकी मेन इफेक्ट होती है इमोलियंट इफेक्ट कि इमोलियंट होते हैं नेचर के अंदर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एस्केप ऑफ मॉइस्चर मतलब कि जब आप स्किन ऊपर अप्लाई करते हो तो आपके स्किन का जो मॉइस्चर है ओके okay, उसको करता है प्रिवेंट ओके इट विल प्रिवेंट द मॉइस्चर के जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको इवापोरेट नहीं होने देता स्किन पर एक ऐसा लेयर बना देगा कि जिसके कारण जो स्किन का वो अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वाटर प्रेजेंट है वो इवापोरेट नहीं होता एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एस्केप ऑफ ए मॉइस्चर आर इफेक्टिव एज ए ऑक्लूसिव ड्रेसिंग ऑक्लूसिव ड्रेसिंग मतलब कि जो प्रोटेक्टिव uh, ड्रेसिंग्स करने होते हैं एंड कैन रिमेन ऑन द स्किन फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट ड्राइंग आउट कि जो एक्लोजिव ऐसे होते कि जो लंबे समय तक आपकी स्किन ऊपर रहते हैं और इजिली वो ड्राई नहीं हो जाते एंड इमिसिबिलिटी विथ वाटर, वाटर के साथ वो मिसिबल नहीं होते दैट्स वाई डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ सो कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है कि आपके स्किन ऊपर लंबे समय तक लगाई रहनी चाहिए कि वो वॉश नहीं होनी चाहिए तो उस टाइप की मेडिसिन के लिए जो ऑइंटमेंट बनाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ऐसे ओलियाजिनस बेजिस के जो लंबे समय तक आपकी स्किन ऊपर रहते हैं और वो जो मेडिसिन जो हम उसके अंदर मिक्स करते हैं वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं और आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है सो so, ये है रिगार्डिंग द ओलियाजनस बेजिस वाटर एंड एक्वेस्ट प्रिपरेशन में बी इनकॉर्पोरेटेड बट ओनली इन ए स्मॉल अमाउंट्स एंड विथ सम डिफिकल्टी पेट्रोलम वाइट पेट्रोलैक्टम वाइट ऑइंटमेंट येलो ऑइंटमेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑइंटमेंट बेजिस कि आपने देखा होगा कि जो हम पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं नॉर्मल कि जो वैसेलिन पेट्रोलियम जेली होती है तो वो एक टाइप का क्या है ओलियाजीनस बेजी है अब उसको यूज करके आप उसका ऑइंटमेंट जो है वो फर्दर बना सकते हैं फिर जो वाइट पेट्रोलेक्टम आता है वाइट ऑइंटमेंट है येलो ओइंटमेंट ओके तो वो सब एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन ऑइंटमेंट बेसिस के आगे सॉल्व करते हैं क्वेस्चन नंबर थ्री पेट्रोल्टम वाइट पेट्रोलैक्टम वाइट ऑइंटमेंट एंड येलो ऑइंटमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बेस तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा तो एक्सप्लेनेशन में से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप इजीली इसको सॉल्व करोगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ओलियाजीनस बेस को ही हम आ, कहते हैं हाइड्रोकार्बन बेस और उसके ये है सब एग्जाम्पल तो आपने देखा होगा कि इस टाइप का हम व्हाइट पेट्रोलियम जेली ओके पेट्रोल एक्टम उसको कहते हैं व्हाइट पेट्रोल एक्टम व्हाइट ऑइंटमेंट एंड उसका ये समझो कि स्लाइटली येलो बिश हो तो वो हो जाएगा येलो ऑइंटमेंट वो सब एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन ऑइंटमेंट बेजिस के ओलियोजिनस बेजिस आर ऑल्सो टर्मेज हाइड्रोकार्बन बेस की जिसको जीनस बेसिस भी हम कहते हैं तो मोस्ट टाइम पे टॉपिक है ये खास आपको अच्छे से तैयार करना है आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फोर वाइट फील्ड ऑइंटमेंट द मेन इंग्रेडिएंट्स कि जो वाइट फील्ड ऑइंटमेंट है उसके अंदर कौन से मेन इंग्रेडिएंट है बोरिक एसिड होता है एंड एसिटाइल सेलिस एसिड निस्टेटिनिक एसिड बेंजोइक एसिड एंड एसिटाइल एसिड एंड ऑप्शन डी है सेलिसिलिक एसिड तो वाइल्ड फील्ड की जो एंटी फंगल ऑइंटमेंट होता है अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज वेल एज फंगल इन्फेक्शन के अंदर ये वाइडली यूज होता है तो सही आंसर है डी कि उसके कंपोजिशन के अंदर मेन ये दो इंग्रेडिएंट होते हैं बेंजोइक एसिड एंड सेलिसलिक एसिड तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने ये अलग अलग कंटेनर इस टाइप के यूज किए होंगे कि वाइल्ड फील्ड ऑइंटमेंट उसका लेबल बेंजोइक एसिड एंड सेलिसलिक एसिड ऑइंटमेंट एज पर द आई फी नाइंटी सिक्स फिर वाइल्ड फीड ऑइंटमेंट यहाँ पे आप खास देख सकते हो कि एक्सटर्नल यूज ऑनली कि जो आगे हमने बात की कि जितने भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं वो सब हम यूज़ करते हैं एज अ एक्सटर्नल प्रिपरेशन फिर टॉपिकल होते हैं कि डायरेक्टली आप स्किन ऊपर अप्लाई करते हो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ टॉपिकल एंटीफंगल इंटमेंट की जो व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट है सो so, एसिड जिसके अंदर प्रेजेंट है कि बेन्जोइ तो वो क्या करेगा प्रिवेंट द इंफेक्शन कोज बाय द बैक्टेरिया बैक्टेरिया के कारण जो इंफेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करेगा बेंजोइक एसिड सेलिसिक एसिड हेल्प द बॉडी सिड रफ और डेड स्किन सेल उसके बाद बेंजोइक एसिड एंड सैलिसलिक एसिड टॉपिकल ऑइंटमेंट uh, की जिसको हम कहते हैं वाइट फील्ड ऑइंटमेंट यूज टू ट्रीट स्किन इरिटेशन स्किन के ऊपर कोई इरिटेशन हो रही हो इन्फ्लामेशन हो रहा हो कोज बाय द बर्न्स इंसेक्ट बाइट फंगल इंसेक्शन और एक्जेमा या फिर कोई बैक्टीरिया के कारण है तो सभी के लिए ये वाइट फील्ड ऑइंटमेंट हम यूज करते हैं टॉपिकली और बहुत ही फेमस प्रिपरेशन है वाइट फील्ड ऑइंटमेंट और उसमें से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं तो अच्छे से आपको ये याद रखना है कि वाइट फील्ड ऑइंटमेंट की जिसका कंपोजिशन के अंदर होते हैं बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव लिनोलिन इज ए विच टाइप ऑफ बेस यूज इन वेरियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ऑप्शन से ओलियजिनस बेस बेस वाटर सॉल्युबल बेस और वाटर रिमूवेबल बेस तो इसका सही आंसर है एबजॉर्बसन बेस बिकॉज लिनोलिन जो ऐसा है कि जिसके अंदर कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की ओके टू एब्जॉर्ब जिसके कारण उसका टाइप भी है एब्जॉर्बसन बेस ओके तो आगे जानते हैं उसके डिटेल में तो एब्जॉर्बसन बेजिस एब्जॉर्ब्सन बेजिज आर ऑफ ए टू टाइप्स दो दैट परमिट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्सन हाइड्रोफिलिक पेट्रोल्टम एंड जो दूसरे होते हैं वो है वॉटर इन ऑयल इमल्सनस इमल्सन बेजिस तैयार करते हैं परमिट द इन कॉर्पोरेशन ऑफ एडिशनल क्वांटिटीज ऑफ एक्स सोल्यूशन मतलब कि यूजअली जो एक्वे सोल्यूशन को उसके अंदर एंटर हो करने में हेल्प करता है दिस बेजिज में यूज एज ए इमोलियंट अल्दो दे डू नॉट प्रोवाइड द डिग्री ऑफ ऑक्लोजन अफोर्डेड बाई ओलियोजिनस बेजिस सो वॉटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं ये जिसके कारण वाटर इन ऑयल टाइप के इमलसंस बनाते हैं कि जो अलग अलग हमारी सेमी सॉलिड डोजि फॉर्म के प्रिपरेशन होती है क्रीम्स के अंदर यूज होते हैं फिर uh, काफ़ी ऐसे ऑइंटमेंट के अंदर भी यूज़ होते हैं इस टाइप के बेस की जो एग्जाम्पल है लिनोलिन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स द वाटर इमिसिबल कंपोनन्ट सच एज द ऑयल एंड वैक्स आर मेल्टेड टूगेदर इन ए स्टीम बाथ टू अबाउट विच टेम्परेचर कि जब हम सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म बनाते हैं तब तो जो हमारे पास ये वाटर इमिसिबल कंपोनेंट्स होते हैं कि जैसे ऑयल एंड वैक्स दोनों को हम मेल्ट करते हैं स्टीम बाथ के अंदर या फिर वाटर बाथ के अंदर तो कितना टेम्परेचर हमें कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना होता है आइडियली तो वो है आंसर डी 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस की जैसे हम देखते हैं कि जब हम कोई कोल्ड क्रीम बनाते हैं तब भी टेम्परेचर सेट करते हम 70 डिग्री सेल्सियस सेम फॉर द वेनिसिंग क्रीम कि वेनिसिंग क्रीम बनाते वक्त भी हम टेम्परेचर 70 डिग्री जो है वो कन्फर्म सेट करवाते हैं सो दिस इज रिगार्डिंग द टेम्परेचर जानते हैं एक्सप्लेनेशन की द वाटर इमल कंपोनेंट्स सच एज द ऑयल एंड वैक्सीज आर मेल्टेड टू गेदर इन स्टीम बाथ अबाउट सेवेंटी टू 75 फाइव डिग्री सेल्सियस मीन टाइम एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ द हीट स्टेबल वाटर सोल्यूबल कंपोन प्रिपेर एंड हीटेड टू द सेम टेम्परेचर एज द ओलियोजिनियस कंपोनेंट कि जैसे हम ऑयली कंपोनेंट्स को 70 टू 75 डिग्री पे करते हैं तो ऐसे ही जो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी सेम टेम्परेचर रखते हैं जैसे कि हम एक हमारे पास है वाटर पार्ट दूसरा पार्ट है ऑयल पार्ट तो दोनों को हम सेम टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं कि सेवनटी डिग्री पर हीट करके फिर उसको सेम टेम्परेचर पे मिक्स करके इमेंसीफाई करते हैं जिससे तैयार होती है क्रीम तो हमने जो कॉस्मेटिक के लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो कोल्ड क्रीम है वेनेसिंग क्रीम है वगैरह को इस तरह से सेम टेम्परेचर के उसके बेसिस को गर्म करके मेल्ट करके जो है वो इमल्सीफाई किया जाता है आगे है क्वेश्चन नंबर सेवन वी चलो ए फार्मासिस्ट टू प्लेस द इंग्रेडिएंट इन ए प्लास्टिक ऑइंटमेंट जार विथ ए स्पेशल लीड दैट अलो फॉर द मिक्सिंग ब्लेड टू बी यूज टू मिक्स द इंग्रेडिएंट। इन द डिस्पेंसिंग कंटेनर दिस डिवाइस कैन भी कंट्रोल द मैन्युअली और वाया कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तो कौन सा ऐसा कंटेनर है ऐसा uh, इक्विपमेंट है कि जो हम यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट को फिल करने के लिए क्रीमोएटर कॉलोइडेटर एक्चुएटर और अंग्यूएटर। तो so, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंग्यूएटर बिकॉज ऑइंटमेंट को हम लेटिन टर्म्स में अनजेंटम टर्म भी कहते हैं ओके यू एन जी ई एंड टी यूएम ओके अनजेंटम या अंगेंटम हम जो कहते हैं अनजेंटम ऑइंटमेंट को तो उस पर से एंगूएटर जो है ऐसा इक्विपमेंट है कि जो हम यूज़ करते हैं टू तो फिल दइंटमेंट इन ए वेरियस कंटेनर तो इस टाइप का ये कंटेनर होता है आप देख सकते हो कि मोटर एंड पेस्टल जैसा कि अंग्यूटर मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हो मोटर एंड पेस्टल एक्सेलेंट एडिशन टू एनी कंपाउंडिंग फार्मेसी इट सेव्स द टाइम एंड ग्रेटली इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करता है द टेक्नोलॉजी इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल विद द वेरियस जार्स एंड एसेसरी उसके साथ अलग अलग जार्स यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्सिंग uh, के लिए अलग अलग स्पिंडल उसके लिए साथ दिए होते हैं ये जो आप देख सकते हो मिक्सिंग के लिए स्पिंडल्स ओके एंड इलेक्ट्रॉनिक मोटर पिस्टल भी होते हैं कि जो अच्छे से मटेरियल को मिक्स करते करने के लिए उसका साइज रिडक्शन करने के लिए एंड यूनिफॉर्मली सेम डायरेक्शन में मिक्स करने के लिए भी हम यूज करते हैं द मिक्सिंग एक्सलू एक्चर्स विद इन द कंटेनर दैट इज ऑल्सो यूज एज द डिस्पेंसिंग कंटेनर क्वेश्चन नंबर एट क्रीम हैव ए रिलेटिवली सॉफ्ट स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्रीम इज ए कोल्ड क्रीम एंड एन एग्जाम्पल ऑफ एन क्रीम इज ए हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट तो हमारे पास ये चार अलग अलग ऑप्शन है डब्ल्यू ओ डब्ल्यू डब्ल्यू ओ डब्ल्यू तो कोल्ड क्रीम और जो नॉर्मल ऑइंटमेंट होता है हाइड्रोफिलिक तो वो कौन से टाइप की एग्जाम्पल है तो उसका सही आंसर है फर्स्ट कोल्ड क्रीम तो आप सभी को पता है तो कोल्ड क्रीम होती है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन सो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन है वो हम सब जानते हैं कि कोल्ड क्रीम जो आगे है मैंने आपको समझाया था लेक्चर के अंदर कि कोल्ड क्रीम का जो स्पेलिंग है कोल्ड लिखते हो तो नीचे आप लिखो इस तरह से डब्ल्यू ओ तो डब्ल्यू O सी ओ एंड डब्ल्यू तो वो हो गया वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्रीम कि जो है हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट हाइड्रोफिलिक तो वो आएगा उससे रिवर्स ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन ओके okay, कि जिसके अंदर ऑयल एड होता है वाटर के अंदर बिकॉज हाइड्रोफिलिक है वाटर कंपोनेंट ज्यादा होगा इसलिए ओडब्ल्यू इमल्सन so इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन क्रीम हैज ए रिलेटिवली सॉफ्ट स्प्रेडेबिलिटी कंसिस्टेंसी सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल क्रीम इज़ ए कोल्ड क्रीम और दूसरा है कि ऑयल इन वाटर तो वह है हाइड्रोफिली कोटमेंट एंड ऑयल इन वाटर का एक और एग्जाम्पल है वह है हमारी वेनेसिंग क्रीम तो जब कोल्ड क्रीम और वेनिसिंग के क्रीम के बारे में हमने पढ़ा था तब ये डिफरेंस जाना था कि जो हमारी कोल्ड क्रीम है वो डब्ल्यू इमल्सन है ओके और जो वेनिसिंग क्रीम है वो है ओ डब्ल्यू इमल्सन ओके कि जो वेनिस मेकअप को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने के लिए एक इनविजिबल लेयर तैयार करता है जिसको हम कहते हैं वेनिसिंग क्रीम क्रीम्स आर जनरली डिस्क्राइब एज आइदर नॉन वॉशेबल और वॉशेबल मतलब कि दो टाइप की होती है वॉशेबल क्रीम भी होती है एंड नॉन वॉशेबल रिफ्लेक्टिंग दैट एंड इमल्सन विथ एक्वियस एक्सटर्नल कंटिन्यूस फेस इज ए ऑयल इन वाटर इज मोर इजिली रिमूव देन विद द नॉन एक्वियस एक्सटर्नल फेज डब्ल्यू ओमल्सन मतलब जो कि जो डब्ल्यू इमल्सन होते कि लाइक कोल्ड क्रीम है तो कोल्ड क्रीम कैसी होती है थोड़ी सी ऑयली होती है जल्दी से आप उसको रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर वाटर एड होता है ऑयल के अंदर जिसके कारण ऑयल की क्वान्टिटी जो है वो ज़्यादा है वाटर की क्वान्टिटी कम है जबकि उससे रिवर्स होता है ओ डब्ल्यू के अंदर कि उसके अंदर ऑयल वाटर के अंदर ऐड होता है जिसके कारण ऑयल की क्वांटिटी कम होती है वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है सो so, जब वाटर ज़्यादा होता है तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं इजीली वॉश कर सकते हैं जबकि जिसमें ऑयल ज़्यादा है तो वो ऑयली रहेगी और वो इजीली वॉश नहीं होगा तो सिंपली जब वेनिसिंग क्रीम कोई लगाता है तो उसको ईजिली वॉश कर पाएगा बिकॉज उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है जबकि सेम आप कोल्ड क्रीम लगा के वॉश करने का ट्राई करोगे तो इजीली वो वॉश नहीं होगा बिकॉज जिसके अंदर ऑयल पोर्सन ज्यादा है द टर्म क्रीम इज यूज विदाउट फर्दर क्वालिफिकेशन वाटर वॉशेबल फॉर्मुलेशन इज जनरली इनफर्ड तो वाटर सॉल्युबल बेसिस वाटर इनसॉल्यूबल बेसिस अलग अलग टाइप के बेसिस पॉलीमर्स यूज करके हम इस टाइप के सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर नाइन विच कंटेंट द हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड क्रीम पेस्ट ऑइंटमेंट या फिर जेल तो ऐसा कौन सा कंपोजिशन ऐसा है कि जिसके अंदर सॉलिड कंटेंट ज्यादा होता है तो आगे जो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखा था उस तरह से पेस्ट के अंदर कि पेस्ट के अंदर सॉलिड कंटेंट ज्यादा होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेंट सॉरी पेस्ट तो 50 परसेंट से भी ज़्यादा कंपोज़िशन होता है सॉलिड कि जो उसके फार्मूला 100 है तो 50 से भी ज़्यादा ओके okay? 50 से 60 जितना कंपोजिशन तो उसके अंदर कोई सॉलिड कंपोनेंट ही रहेगा कि लाइक आप कैल्शियम कार्बोनेट वाली टूथपेस्ट बना रहे हैं तो उसका मेन इंग्रेडिएंट है सी और वो रहेगा सॉलिड तो 50 टू 60 परसेंट तो कैल्शियम कार्बोनेट ही रहेगा और फिर उसको थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मिक्स करेंगे कि उसके अंदर हम इमोलियंट्स मिक्स करेंगे ओके उसकी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो इसीलिए ग्लिसरीन वगैरह यूज़ करेंगे वो ड्राई ना हो उस उसके अंदर ह्यूमिक ऐड करेंगे फ्लेवर्स ऐड करेंगे ओके तो उस तरह से उसका कंपोजिशन तैयार होगा तो पेट्स आर यूजली प्रिपेर बाय इनकॉर्पोरेटिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू ए कॉन्जिलेटेड सिस्टम बाई लेविगेशन विथ ए पोर्सन ऑफ ए बेज टू फॉर्म पेस्ट लाइक मास्क बेज ले लेंगे हम साथ में लेविगेशन मतलब कि साइज रिडक्शन करते हैं मोटर पेस्टल के अंदर कंटिन्यूसली ट्रैच्यसन करने के साथ साथ हम बेज मिक्स करके पेस्ट लाइक मास्क जो है वो तैयार करते हैं और फिर उसको इस टाइप के कंटेनर के अंदर फिल कर देते हैं दे हैव ए गुड अधन ऑन ए स्किन एंड लेस ग्रेसी, बिकॉज उसके अंदर ऑयली पोर्शन बहुत कम होता है जिसके कारण लेस ग्रेसी होते हैं क्वेश्चन नंबर टेन इन वेनेसिंग क्रीम स्टीयरिक एसिड प्रोवाइड ऑयल फेस एंड ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट ऑफ़ फ्री एसिड्स विच आर न्यूट्रलाइज बाय द अल्कली, इन सी टू एज अ सो फॉर्म फ्रॉम एन एच सी ओ थ्री एम जी ओ एच एन ए टू सी ओ थ्री और के ओ एच तो उसका सही आंसर है क्यूएच की मेन जो अल्कली हम यूज करते हुए क्यूएच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं वेनिसिंग क्रीम के अंदर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पॉइंट एटीन परसेंट एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पॉइंट फिफ्टी परसेंट एलकली यूज एज ए इन सिटी इमल्सिफायर एज अ सोफ फॉर्म की जो सोफ हमें तैयार करना है कि जो एक्ट होगा एज अ इन सिटी इमल्सिफायर कि जो स्टीयरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करके आगे फर्दर जो है वो इमल्सिफाई होकर तैयार करेगा क्रीम द प्रोपिलिंग ग्लाइकोल प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर सोडियम स्टीरेट क्रिस्टल गिव द पर्लिसाइन एंड जो हमारा ग्लिसरिन है उसका रोल होता है एज ह्यूमेक्टन की जो मॉइस्चर को लॉस होने से प्रिवेंट करता है तो इस तरह से तैयार होती है वेनिसिंग क्रीम ओके तो उसके अंदर रोल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आलकली यूज करते हैं हम एंड स्टीयरिक एसिड की जो एक्ट uh, करता है एज अ सोप कि जो आगे जाके सीटू इमल्सिफायर के तौर पे उसका काम रहता है और जब हम कोल्ड क्रीम बनाते हैं तो उसके अंदर जो बोरेक्स होता है वो बोरेक्स सीटू इमल्सीफायर का काम करता है तो ये थे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ऑफ ए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए फार्मरॉक्स की ऐप पर आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेगा सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ वन ईयर का मतलब कि ट्वेंटी एट पैसा पर डे के तो से आप इस टाइप के टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करोगे डेली विथ प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन सो स्टार्ट द टेस्ट सीरीज ऑन आवर ऐप डाउनलोड द ऐप दमरॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले सो so, सभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जीपैट नाइपर डी आई एन फार्मासिस्ट एग्जाम की तो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले